नमस्कार, वक्त जयपुर सिटी का। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन हो गया है शुरू। निर्वाचन विभाग ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा के प्ररूप फोटोयुक्त वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया है। वैसे तो 4 अक्टूबर को राजस्थान का फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, लेकिन इससे पहले प्रारूप मतदाता सूचियों के मुताबिक राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अब तक तकरीबन 42 लाख मतदाता बढ़े हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। निर्वाचन विभाग भी निष्पक्ष चुनाव के लिए कमर कस चुका है। राजस्थान में चुनाव को लेकर आंकड़ों की बात करें तो 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन तक 4.5 साल के अंदर 42,08,000 से ज्यादा वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। मतदाता बढ़ने के साथ मतदान केंद्रों की संख्या 51,187 से बढ़कर 51,756 हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक राजस्थान में इस साल अंतिम तक विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेशन का काम शुरू कर दिया, जिसका ड्राफ्ट प्रारूप प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप का अगर पिछले विधानसभा चुनाव के समय से तुलना करें तो राज्य में पिछले 4.5 साल के अंदर 42,08,000 से ज्यादा वोटर्स की संख्या बढ़ गई। पूरे राज्य में अब वोटर्स का आंकड़ा 5.18 करोड़ के पार पहुंच गया, जबकि अभी करीब 1 महीने तक और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का काम जारी रहेगा और फाइनल लिस्ट 4 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। हालांकि नामांकन की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नए नाम जरूर सूची में जोड़ सकेंगे। जो ड्राफ्ट मतदाता सूची थी उसका आज हमने पब्लिकेशन करके वेबसाइट पे, जो आप देख रहे हैं वेबसाइट भी है, उस पे डाल दिया है, तथा साथ में राजनीतिक दलों को भी इसकी जानकारी अभी मीटिंग के द्वारा दी गई है। अब ये ड्राफ्ट रोल का अंतिम प्रकाशन जो हम करेंगे, जो फाइनल रोल होगी हमारी, वो 4 अक्टूबर 2023 को हम फाइनल रोल का पब्लिकेशन करेंगे। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4.5 साल के अंदर प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जहां सबसे कम वोटर्स की संख्या बढ़ी है। इधर जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 3.72 लाख वोटर्स बढ़े। इसके अलावा बाड़मेर, अलवर, जोधपुर, नागौर ऐसे जिले हैं जहां पिछले 5 साल में वोटर्स की संख्या 2 लाख से ज्यादा बढ़ी है। निर्वाचन आयोग से जारी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वोटर्स जयपुर जिले में, यहां कुल वोटर्स की संख्या करीब 49,56,342 है। इसके अलावा अलवर, जोधपुर, नागौर और सीकर ऐसे जिले हैं जहां वोटर्स की संख्या 20 लाख से ज्यादा है। वहीं सबसे कम वोटर्स जैसलमेर जिले में, जैसलमेर में कुल वोटर्स की संख्या 4.65 लाख है। इसके अलावा प्रतापगढ़, सिरोही, बारा, बूंदी, धौलपुर, राजसमंद और सवाई माधोपुर ऐसे जिले हैं जहां वोटर्स की संख्या 10 लाख से कम है। राजधानी जयपुर का पुनर्गठन करके भले ही यहां 4 जिलों में बांट दिया गया, लेकिन यहां चुनाव अब भी पुराने जिले के अनुसार ही करवाए जा रहे हैं। प्रवीण गुप्ता के मुताबिक पहली बार बुजुर्ग दिव्यांगों को घर से ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। 1 अक्टूबर तक 18 साल पूरे करने वाले नए मतदाता भी अपना मत का प्रयोग कर सकेंगे। 80 वर्ष से अधिक के मतदाता लगभग 12 लाख हैं राजस्थान में, और दिव्यांगजन जो रजिस्टर्ड हैं हमारे पास, जिनको हम कोशिश करके रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उनकी संख्या 5,96,000 है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो 18 लाख मतदाता को ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब विकल्प है कि वो घर बैठकर डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि ये इवेंट कंपलसरी नहीं है। इसको मैं चाहूँगा कि आपके मार्फत ये केवल विकल्प है, ऑप्शन है कि वो अगर नहीं जा पा रहे हैं बूथ पर तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल राजस्थान विधानसभा चुनाव में यूथ का दबदबा होगा। कुल मतदाताओं में बड़ा हिस्सा ऐसे ही वोटरों का है जो नेताओं के लिए भाग्य विधाता भी बन सकते हैं। सामान्य वोटर्स के अलावा इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है और चुनाव में तो मतदाता ही असली नायक होता है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।